तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी के नाम से मशहूर मुनमुन दत्ता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना सामने आई है। एक्ट्रेस ने खुद रिवील किया है खुद पर हुए सेक्सुअल असॉल्ट की घटना को। जी हां, आपने सही सुना, मुनमुन दत्ता को झेलना पड़ा था सेक्सुअल असॉल्ट, और असॉल्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि अरमान कोहली था, जिसे बिग बॉस की वजह से पहचान मिली थी। आपको बता दें, मुनमुन दत्ता एक टाइम पर अरमान कोहली को डेट कर रही थी, मगर उन्हें ये खबर नहीं थी कि ये उन्हें कितना भारी पड़ेगा। घटना 2008 के वैलेंटाइंस डे के आसपास की है, जब बीच पार्टी में अरमान कोहली ने उठा दिया था मुनमुन दत्ता पर अपना हाथ। मुनमुन दत्ता ने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करी थी, जिसकी वजह से अरमान कोहली को उनसे माफी भी मांगनी पड़ी और फाइन भी भरना पड़ा। ये पहली बार नहीं है जब अरमान कोहली का आक्रामक रूप सामने आया हो। ऐसे अनेकों इंसिडेंट्स हमने बिग बॉस में भी देखे हैं और अनेकों बार मीडिया में भी सुने हैं। इसी इंसिडेंट को अब काफी सालों बाद मुनमुन दत्ता ने रिवील किया, जिसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर अरमान कोहली को क्रिटिसाइज किया जा रहा है।